भाइयों सुबह सुबह का टाइम है और देखो भैया तुम देख ही लो सुबह सुबह का टाइम है, सूरज भी पूरी तरह निकला नहीं है। और मैंने फोन में खोला था अपडेट लेने के लिए, क्या कोई सोशल मीडिया में कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है जिसमें वीडियो बना दूँ, या फिर कुछ ट्रेंडिंग चल रहा हो जिसमें मैं वीडियो बना दूँ। लेकिन इतनी बुरी खबर मिली मेरे भाई, इतनी बुरी खबर क्या बताएं तुमको, हम बता ही नहीं सकते। भैया गौरव भैया अरेस्ट हो गए, हाँ हमारे फ्लाइंग बीस्ट भैया अरेस्ट हो गए। अरेस्ट होने की वजह है बर्थडे, भैया गौरव भैया का बर्थडे था। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। अरेस्ट होने की वजह गौरव भैया का बर्थडे था जिसकी वजह से अरेस्ट हो गए, नहीं जिसकी वजह उसकी वजह से अरेस्ट नहीं हुए। भैया बर्थडे बना रहे थे मेट्रो ट्रेन के अंदर, जिसकी वजह से भीड़ बढ़ गई, सबको पता हो गया, फॉलोवर्स हो सब्सक्राइबर को, और पहुंच गए वो गौरव भैया से मिलने। लेकिन वहीं पुलिस भी पहुंच गई, वो भी मिलने गई थी गौरव भैया से। गाइस फ्लाइंग बीस्ट अरेस्ट हो चुका है, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये गौरव सर का ही है। तो आज फ्लाइंग बीस्ट का बर्थडे है एंड इसी वजह से उनकी वाइफ रितु राठी ने ये प्लान किया कि उनके फैंस के साथ मीटअप करते हैं। एज अ रिजल्ट वो पूरे मेट्रो को बुक कर ली, और उनको लगा था कि ज्यादा लोग नहीं आएंगे क्योंकि ये चीज उन्होंने सिर्फ इंस्टाग्राम स्टोरी पे बताया था। लेकिन उस टाइम वहाँ पे इतने सारे लोग आ गए कि पूरा रोड एंड पूरा मेट्रो स्टेशन ही ब्लॉक हो गया। ये देख के वहाँ पे पुलिस आ गई एंड गौरव सर को अरेस्ट कर लिया गया। मेरे को जहां तक पता चला है कि गौरव भैया घर जा चुके हैं जुर्माना भर के, 144 धारा लगी थी जिसकी वजह से वो जेल, मतलब जेल तो नहीं गए थे, चौकी में बैठा लिए गए थे, जेल नहीं हुई थी, अरेस्ट हुए थे लेकिन वैसे नहीं भयंकर वाला अरेस्ट नहीं हुए थे, जुर्माना भर के जा चुके हैं। और भैया मैटर कुछ ऐसा है कि भैया फ्लाइंग बीस्ट भैया का बर्थडे था, जो भैया मेट्रो स्टेशन बना रहे थे एक कोच पूरा बुक किया था उनकी वाइफ ने, और उनको पता भी नहीं था जब उनकी वाइफ ने उनको सरप्राइज दिया। मेट्रो स्टेशन गए, वहाँ पर भीड़ बढ़ गई, लोग आ गए, सब्सक्राइबर आ गए, फॉलोअर्स आ गए, कि सबको पता चल चुका था क्योंकि सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम में डाल दिया था कि ऐसे यहाँ बर्थडे, लोकेशन भी डाल दी, जिसकी वजह से वहाँ भीड़ बढ़ गई और पुलिस आ गई तो गौरव भैया को अरेस्ट कर लिया गया। हाँ काफ़ी बातचीत चली लेकिन फिर भी अरेस्ट कर लिया गया। और कहना चाहता हूँ, ये नहीं कहना चाहता हूँ गौरव भैया ने सही किया, ठीक है वो गलत है, वो अच्छा ठीक नहीं है इस तरह से, लेकिन ये कहना चाहता हूँ जो ये भैया ये होते हैं नेता लोग, जो भैया धरना देते हैं सीधा बीच रोड में खंभा गाड़ के, आगजनी करते हैं, सब कुछ करते हैं, उनको कहे अरेस्ट नहीं करते हो। वो बड़े बड़े नेता होते हैं इसीलिए अरेस्ट नहीं होते ना, छोटे छोटे तो अरेस्ट हो जाते हैं, वो भी उनके चेले चपाटी अरेस्ट होते हैं, जो जानबूझ के करते हैं, जो बड़े बड़े नेता होते हैं जो धरना देते हैं उनको अरेस्ट नहीं किया जाता है। शायद हो सकता है कि पुलिस और ये नेता लोग थोड़ा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला केस हो इसलिए, और यहाँ पर शायद एक्स बॉयफ्रेंड थे पुलिस के इसलिए गिरफ्तार हो गए। मैं खुल के नहीं बता सकता हूँ कहना क्या चाहता हूँ, बाकी तुम समझ ही सकते हो। बॉलीवुड के हीरो हीरोइन भी जहाँ जाते हैं वहाँ भीड़ लग जाती है, वहाँ जाम लग जाता है, लेकिन उनको भी अरेस्ट नहीं किया जाएगा। अरेस्ट तो हमको किया जाएगा, हम यूट्यूबरों को किया जाएगा, हमारे फ्लाइंग बीच भैया को किया जाएगा, और किसी को अरेस्ट थोड़ा ना किया जाएगा। उनकी हमारी वजह से तो भैया जाम लगता है, आज तक जाम हमारे हम लोगों की वजह से तो लगता है ना, बॉलीवुड वालों के पीछे लगा है कभी जाम, और ना ही कभी नेताओं के पीछे कभी जाम लगा, ना कभी रैलियों के पीछे जाम लगा, ना कभी धरने के पीछे जाम लगा, कभी जाम इसके लगे लगता ही नहीं है, कभी एम्बुलेंस भी इसके कम नहीं रुकती है, लेकिन हम लोग कहाँ जाते तो वहाँ एम्बुलेंस भी रुक जाती है भीड़ के चक्कर में, है ना। लोग सोचे कि तब पंगला के मैं बात क्यों कर रहा हूँ, करना पड़ रहा है मेरे भाई, करना पड़ रहा है, मतलब हम लोग की कोई औकात नहीं है क्या, हमारे पीछे भीड़ आएगी तो हम जिम्मेदार हैं, आए और बॉलीवुड वालों के पीछे भीड़ आएगी तो कोई नहीं जिम्मेदार है, और क्या कहते हैं ये नेता लोग धरना करेंगे वो रोड जाम करेंगे कोई नहीं जिम्मेदार है, हम ही जिम्मेदार है, हर चीज़ के हम ही जिम्मेदार हैं। बड़ा अजीब खेल है ये पुलिस वालों का और ये अपने देश के कानून का, बड़ा अजीब खेल। खैर इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा मैं, कोई भरोसा मैं ही कल अरेस्ट हो जाऊँ, इसी चक्कर में भैया पुलिस के बारे में बात कर रहा था, चलो भैया थाने, तो भैया इसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता हूँ। और हाँ गौरव भैया थोड़ा बर्थडे अड्डे घर ही मना लीजिए करिए, ये थोड़ा मेट्रो वेट्रो का काम छोड़ दीजिए, नहीं तो ऐसी दिक्कतें आती रहेंगी। बाकी भैया यही अपडेट तुम लोग को भी देनी थी जो मेरे को मिली थी सुबह सुबह, और बाकी भैया मेरे वीडियो आते रहेंगे रोस्टिंग के, उसकी टेंशन मत लो कि मैं ये क्या खोल चाहे मतलब अपडेट देने लगा क्या भैया, न्योन मैन बनने लगा क्या, नहीं न्यूज़ बॉय न्योन मैन मेरे को नहीं बनना है। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, यही बताने आया था कि अपडेट ये है, और ये भी बताने आया था कि मेरे को थोड़ा व्यूज़ चाहिए इसलिए अपडेट दी है। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल।